दोस्तों आप सबका स्वागत है आपका अपने ही स्पोर्ट्स चैनल पर। आज मैं आपको नॉर्दर्न वर्सेस लैन की टीम दूंगा और इंग्लिश ओडीआई कप की। तो दोस्तों लैन ने अपना 14 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस कर दिया और नॉर्दर्न ने अपना स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं किया। लैन ने जो 14 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया सेम जो पिछला मैच था वही स्क्वाड है दोस्तों। मेरे ख्याल से नॉर्दर्न का भी वही स्क्वाड होना चाहिए। उसी हिसाब से मैं अपनी प्लेयर बताऊंगा क्या का परफॉर्मेंस है। चलिए बात कर लेते हैं आज दोनों की टीम प्ले स्पोर्ट और ड्रीम इलेवन टीम दोनों की टीम दूंगा दोस्तों। तो आप देख सकते दोस्तों पिछला मैच में कीटन जेनिंग सेम स्क्वाड है लैन का, तो सेम प्लेन होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि पिछला मैच जीत के आ रही है दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों कीटन जेनिंग है, आसिफ हामिद है, स्टीवन क्रॉफ्ट है, ग्लेन मैक्सवेल है, डेन विलास है, रॉब जॉन्स है, एंड जोस है, लियाम हार्ट है, साकिब महमूद है, एंड ऑनियंस है, एंड मैथ्यू पर्किंसन काफ़ी अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं दोस्तों। लगता है 2 में से 5-6 विकेट निकाल चुके हैं। अब बेंच में वही मुझे जेम्स एडर्सन है, पेरी और गेस्ट ही होनी चाहिए। अब परफॉर्मेंस बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लैन का पिछला मैच का परफॉर्मेंस 50 ओवर में 311 रन 6 विकेट खोकर, इसमें कीटन जेनिंग का कोई योगदान तो नहीं, आपसी 8 रन मारे, फिर हासिम हामिद भी 22 रन मारे, स्टीवन क्रॉफ्ट का भी अच्छा परफॉर्म किया 97 रन की पारी खेली, भी मैक्सवेल ने 22 रन की पारी खेली, डेन विलास 21 रन, रॉब जॉन्स 65 रन और जोस ने 15, लियाम हार्ट ने जोस 55 रन की पारी खेली, लियाम हार्ट ने 15 रन की पारी खेली और बाकी और किसी की बैटिंग नहीं आ पाया। बॉलिंग बात करें तो बॉलिंग आप देख सकते हैं यहाँ दोस्तों, साकिब मोहम्मद 3 विकेट निकाल लें एंड यहाँ से मैथ्यू पर्किंसन ने 2 विकेट निकाल दिए। अब जैसे ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, लियाम हार्ट ग्राम ऑनियंस एक कोई निकाल लेगा, कभी निकालें, स्टीवन क्रॉफ्ट भी क्रॉफ्ट बॉलिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये परफॉर्मेंस लैन के हिसाब से हो सकती है। इंपॉर्टेंट प्लेयर को बताया तो स्टीवन क्रॉफ्ट है परफॉर्मेंस में, मैक्सवेल है एंड यहाँ से डेन विलास है, इनको लेना ही है। कीटन जेनिंग काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और जोस बेनन है। बॉलिंग में आपको बताता हूँ बॉलिंग में कौन है, ग्राम ऑनियन, साकिब मोहम्मद, ग्लेन मैक्सवेल, लियाम हार्ट, मैथ्यू पर्किंसन, तो ये बॉलिंग होगी दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं लैन की होगी, चलिए बात करते हैं नॉर की। तो उससे पहले पॉइंट्स टेबल में बात कर लेते हैं लैन और नॉर की दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ लैन ने 3 मैच खेले, 1 जीता है, सिर्फ 2 हारा है और पॉइंट्स टेबल आप देख सकते हैं कि किसने कितने नीचे हैं। वही नॉर भी 3 मैच खेली है, जीती है, 2 हारी है और लेकिन सिर्फ नेट रन के कारण पीछे है। आप देख सकते 7वें पैदान पर हैं और नॉर्थ 5वें पैदान पर है दोस्तों। ये परफॉर्मेंस है नॉर्थ ग्रुप का लैन वर्सेस नॉर्थ का। चलिए बात कर लेते हैं नॉर्थ की क्या हो सकती है पॉसिबल प्ले इलेवन। तो दोस्तों नॉर्थ भी पिछला मैच अपने वार को हरा के आ रही है, वार्किशायर को, मेरे ख्याल से सेम प्ले इलेवन होनी चाहिए। अभी तो स्क्वाड तो अनाउंस नहीं किया है और कोई भी चेंज होता है मैं आपको अपडेट न्यूज़ अपडेट टीम अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, जो स्पोर्ट्स चैनल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जरूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लेवी है, रिकार्डो है, कॉब है, एलेक्स वेकली है, एडम है, होल्डर है एंड यहाँ से रॉब है, लुक है एंड नाथन बक है, बेन सेडर्सन है, ब्लेसिंग मुझे बानी है दोस्तों, तो ये हो सकती है। और बेन कुरान और रॉब न्यूटन तो फिर भी रिस्की हो सकते हैं। चलिए क्या परफॉर्मेंस रहा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नॉर्थ ने 50 ओवर 358 रन की पारी खेली थी, 6 विकेट, इसमें बैटिंग में आप देख सकते हैं लेवी ने 48 पारी खेली, कॉब 0 पर आउट हो चुके थे, रिकार्डो 19 रन, वैकली 50 रन, फिर ने 69 पर रॉसिंगटन ने 68 रन की पारी खेली, यहाँ से होल्डर ने 60 रन की पारी, प्रॉक्टर ने 24 रन की पारी खेली। और बॉलिंग बात करें तो बॉलिंग आप देख सकते हैं तो यहाँ ने मुजरवानी 3 विकेट निकाले, बेन सराज ने 3 विकेट निकाले एंड होल्डर ने 3 विकेट निकाल दिए, नाथन बक ने 3 विकेट निकाल दिए। सिर्फ 5 ही मेन बॉलर किए, 5ों ने सारे विकेट लिए, सिर्फ लीग को छोड़कर सब ने विकेट निकाले। तो परफॉर्मेंस देख सकते हैं दोस्तों मिला जुला दोनों टीम का परफॉर्मेंस है। और चलिए बात करते हैं प्ले स्पोर्ट टीम की। तो दोस्तों ये प्ले स्पोर्ट एप्लीकेशन है, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन दोस्तों, आपको 100% बोनस यूजेबल है यहाँ। ऐसा कोई एप्लीकेशन जो 100% बोनस यूज करने देता है, देता भी तो ग्रैंड लीग में ही देता है, लेकिन ये ऐसा एप्लीकेशन है सारे
सारे लीग में यूज़ करने देता है 100%, मैंने स्मॉल लीग ग्रैंड लीग सब में 100% बोनस यूज़ करने देता है। और ये आपको 100% रुपीज़ भी देगा खेलने के लिए। कैसे मिलेगा 100% रुपीज़ खेलने के लिए? जैसे आप किसी का रेफरल कोड यूज़ करके साइनअप कीजिए, काफ़ी अच्छा रेफरल कोड यूज़ करके साइनअप कीजिए तो आपको 100% बोनस मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में, साइनअप कर सकते हैं। मैं रेफरल कोड भी दिया हुआ है कूल 1776, ये मेरा रेफरल कोड है दोस्तों। मैं भी काफ़ी अच्छा विन कर रहा हूँ, डेली विड्रॉ भी करता हूँ, विन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उससे एक और ख़ास बात, आप सोच रहे हो मैं डायरेक्ट क्रिक बज का अप्लीकेशन खोल कर दिखा रहा हूँ, तो बहुत सारे ऐसे आप यूट्यूबर है जो अपने मन से फेक न्यूज़ निकाल देते हैं। मैं आपको डायरेक्ट वहाँ ले जाता हूँ, वहीं से आपको सब जो मैसेज हुए हैं वहाँ से मैं दिखा जाता हूँ। मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कॉपीराइट का कोई डर नहीं है, उतना जो होगा देखा जाएगा, उतना मुझे डर नहीं है कि कॉपीराइट होगा क्या नहीं होगा, डायरेक्ट मैं दिखाया था हूँ। तो दोस्तों ये बात कर ले टीम के बारे में, लैन वर्सेस नॉर की टीम देख लेते हैं, ड्रीम इलेवन की दोस्तों काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। आपको मात्र 5 सेकंड के अंदर में पेटीएम में विड्रॉ देता है, बैंक अकाउंट में 5 सेकंड के अंदर में विड्रॉ देता है, 5 सेकंड के अंदर में ही बैंक अकाउंट में विड्रॉ देता है। एक बार ट्राई जरूर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों ये मैंने एडम से पिक किया विकेट कीपर में, आप चाहे सेफ ऑप्शन में और कोई भी नहीं है तो किन को नहीं पिक करना है। ऑलराउंडर में पिक किया मैक्सवेल होल्डर एंड यहाँ से पिक किया हूँ स्टीवन क्रॉफ्ट। बॉलिंग बात करें तो बेन सैंडरसन को पिक किया, मुजरबान को पिक किया। आप मुजरबान ड्रॉप करना चाहे आप यहाँ से ले सकते हैं, कहाँ गए मेरे साकिब मोहम्मद, लेकिन मैं जाऊँगा मुजरबान के साथ और यहाँ से मैं जा रहा हूँ मैट पार्किंग के साथ। और भी सारे ऑप्शन में आपसे आपके पास है, ऑप्शन में है साकिब मोहम्मद ऑप्शन में है, एंड यहाँ सेफ ऑप्शन के बाद ग्राम ओनियन ऑप्शन में है, बाकी और सेफ ऑप्शन में और इतने अच्छे ऑप्शन में नहीं रहेंगे। बॉलिंग बात करें बैट्समैन बात करें तो वैकली को पिक किया है, डैनी विलियम्स को पिक किया है, आप हाशिम अमीन को पिक कर सकते हो ओपनिंग करेंगे, किटन जेनिंग को पिक किया है, एंड यहाँ से रॉब जोन को पिक किया है, आप चाहे लेवी को पिक कर जो ओपनिंग करेंगे आप लेना चाह ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं रॉब जोन से जा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये टीम होगी दोस्तों, आप देख सकते हैं एडम है, मैक्सवेल है, होल्डर है, क्रॉफ्ट है, सैंडरसन है, मुजरबानी है, मैट पार्किंसन है, एंड एलेक्स है, डेनी विलियम्स है, किटन जेनी है, रॉब जोन्स है। कैप्टन की बात तो मैं ऑलराउंडर ही बनाऊंगा, जो यहाँ से मैं बनाऊँगा इस टीम में प्रभु कैप्टन, और वाइस कैप्टन मैं बनाऊँगा जेसन होल्डर, आप चाहे बना सकते हैं मैक्सवेल को जो बैटिंग में दोनों से परफॉर्म करेंगे। बॉलिंग में और आप भाई इतने अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, स्मॉलिंग में ही ऑप्शन बेस्ट है। तो ये टीम होगी दोस्तों प्ले स्पॉट की, एक बार ट्राई जरूर कीजिए, विनिंग काफ़ी ज़्यादा होती है दोस्तों। मैं डेली विड्रॉ फिर बोला डेली विड्रॉ करता हूँ, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। थैंक यू दोस्तों, और चलिए बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम की। तो दोस्तों ड्रीम इलेवन टीम तो फाइनल नहीं, क्योंकि फाइनल टीम आपको अगर कोई भी अपडेटेड न्यूज आता है तो और इसकी प्ले आ जाती है तो वहाँ मैं फाइनल टीम दे दूँगा आपको उसकी। उसके लिए आपको मैं टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना होगा, टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जरूर जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ से मैं एडम को ही लूँगा, आप चाहे ले सकते हैं डेनी विलियम्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बैटिंग में वैकली को पिक करूँगा, एंड किटन जेनी को पिक कर रहा हूँ, एंड यहाँ से पिक कर रहा हूँ और रॉब जोन को दोस्तों, बाकी आप हमीद को पिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप रिचर्ड लेवी को पिक कर लीजिए, 4 प्लेयर रहना है बैटिंग में, तो यहाँ से लेवी को पिक कर लिया। ऑप्शन बहुत सारे क्यू भी हैं, इनको पिक कर सकते हैं, मैक्सवेल को पिक कर रहा हूँ ऑलराउंडर में, जैसे कैप को पिक कर ओपनिंग करेंगे, लेकिन पिछले में परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा, होल्डर पिक कर रहा हूँ, यहाँ से मैं स्टीवन क्रॉफ्ट को पिक कर रहा हूँ। ऑप्शन में प्रोक्टर है जिस बनॉन है, एंड कैप भी कॉप भी इनको पिक कर सकते हैं। बॉलिंग बात तो बॉलिंग में यहाँ से पार्किंग से पिक करूँगा, मैन सेंटर से पिक करूँगा, अब मुजरबानी को पिक करना है, लेकिन क्रेडिट नहीं बच रहे हैं, तो 8 क्रेडिट में लियाम हट है सेफ ऑप्शन में, या कुछ क्रेडिट मैच करके आप और किसी प्लेयर को ले सकते हैं, फिर मैं लियाम हट से जा रहा हूँ। तो ये टीम होगी, आप चेंज करना चाहिए जैसे आप बैटिंग चेंज करना चाहिए, आप यहाँ से किटन जेनी को हटाइए, यहाँ से ले लीजिए क्यू को ले लीजिए, अब आज 1 क्रेडिट बच जाएगा, यहाँ से आप आराम से अली हॉट कटाइए और यहाँ से आप ले सकते हैं एक अच्छे बॉलर को, मुजरबानी को ले सकते हैं, ओनियन को ले सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगा, मैं आप सेफ में जा रहा हूँ लियाम हॉट के साथ ही, यहाँ से मैं जाऊँगा कहाँ के मेरे
कीटोनजेनिक संजाम का। तो ये टीम होगी दोस्तों, कैप्टन मेरे सेम रहेंगे वहीं, क्रॉप वाइस कैप्टन होल्डर सेव कर लिया दोस्तों। वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई नहीं चाहती तो मैं अपडेट कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप विनिंग।